Hello guys, I am Shahzad Ahmed from Shakzi.com and welcome in lecture number 10. आज हम अपना first view जो है वो create करके देखते हैं कि हम जो है वो view कैसे बनाते हैं और हम view को कैसे manage करते हैं using Coding Writer and आपको पता है कि हमारी Coding Writer 3 की series है and हम उसी पे ही काम कर रहे हैं and I hope आप हमारी series को enjoy कर रहे होंगे. तो start करते हैं. लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने कैसे एक पर्टिकुलर जो है वो कंट्रोलर बनाया था और हमने थोड़ा सा जो है वो कंट्रोलर का वर्क जो है वो देखा था कि कंट्रोलर आपका जो है वर्क्स के जो है वो कैसे करता है. हमने इंडेक्स देखा फंक्शन और हमने एक और फंक्शन देखा. बहरहाल हम ऐसा करते हैं जो बाय डिफॉल्ट कोडिंग नेटर के सेटअप के साथ वेलकम के नाम से एक कंट्रोलर आया था. आप देख सकते हैं कि वो ये था जो इंडेक्स डॉट पी एच पी एंड वेलकम. तो आप देखेंगे ये पेज बना हुआ आ रहा था आपके पास. ये क्यों आ रहा था? बिकॉज एक व्यू जो है वो लोड किया हुआ है. आप देख सकते हैं कि एक व्यू लोड किया हुआ है. अगर आप इसे बंद करेंगे, कमेंट करते हैं, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि आप वो जो व्यू था वो चला गया. सो दैट्स व्हाई जैसा कि हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि व्यू में हमेशा जो है वो ब्लॉक्स बनते हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लें या आप कह लें कि स्ट्रक्चर कह लें या आप कह लें कि यूजर इंटरफेसिस जो है वो हमेशा व्यू के अंदर बनते हैं. आप देख सकते हैं कि व्यू किस तरीके से वर्क कर रहा है. बहरहाल हम वेलकम कंट्रोलर जो कोडिंग नेटर के साथ आया है उसे बंद करते हैं. हम ऐसा करते हैं सबसे पहली बात, कोडिंग नेटर के अंदर व्यू जब भी आप एचटीएमएल की कोडिंग करेंगे या आप जो है वो ब्लॉक्स बनाएंगे या आप यूजर इंटरफेस बनाएंगे तो वो हमेशा कोडिंग आपकी व्यू में होगी. ठीक है, अब कोडिंग आपको व्यू में करनी है उससे पहले आपको व्यू बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा करते हैं व्यू के अंदर जाते हैं. व्यू एक फोल्डर है, एप्लीकेशन के अंदर व्यू का आपको फोल्डर मिलेगा व्यूज के नाम से. ठीक है, उसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें एक और फोल्डर है एरर्स के नाम से और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल रखी हुई है और वेलकम मैसेज डॉट पी एच पी की फाइल रखी हुई है. बहरहाल ये वो व्यू है वेलकम मैसेज डॉट पी एच पी जो बाय डिफॉल्ट जो है यहां पे रन हो रहा था थोड़ी देर पहले. ठीक है, ये वाला. तो हम ऐसा करते हैं व्यूज फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करते हैं, व्यूज फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं. मेक श्योर मैं फाइल कह रहा हूं, एक फाइल बनाते हैं सिंपल पीएचपी की और उसे हम कहते हैं होम डॉट पीएचपी या मैं कहता हूं फर्स्ट व्यू डॉट पीएचपी. ठीक है, फर्स्ट व्यू डॉट पीएचपी. मेक श्योर हमेशा आपके व्यूज जो है वो व्यूज फोल्डर के अंदर होंगे. ठीक है, मैं ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट व्यू डॉट पी एच पी के नाम से एक आपका व्यू बन चुका है. व्यू से मुराद आपकी एक फाइल बन चुकी है जिसमें आप जो है वो कोडिंग करेंगे. हम ऐसा करते हैं यहां पे एचटीएमएल हम बनाते हैं. एचटीएमएल ठीक है एंड हेडर का टैग बनाते हैं और टाइटल बनाते हैं. हम लिखते हैं वेलकम इनकोडिंग नाइटर. ठीक है, और उसके बाद में हम ऐसा करते हैं कि बॉडी बनाते हैं और हम बॉडी को क्लोज करते हैं. क्लोज करने के बाद एक H1 बनाते हैं और मैं कहता हूं कि ये जो H1 है इसके अंदर हम कहते हैं
वेलकम इन कोडिंग नाइटर, ठीक है। ये आपकी HTML की कोडिंग हुई। तो हम ऐसा करेंगे कि आपकी फाइल तो बन गई, आपने एक व्यू तो बना दिया फर्स्ट व्यू डॉट php के नाम से, उसे सेव भी करवा दिया आपने व्यूज फोल्डर के अंदर। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही मैं होम के कंट्रोलर को एक्सेस करता हूं तो फिलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, बिकॉज इंडेक्स का फंक्शन जो है वो एम्प्टी है। एंड आपको पता है कि कंट्रोलर को एक्सेस जैसे ही किया जाता है तो हमेशा इंडेक्स का फंक्शन रन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स का फंक्शन फिलहाल जो है वो एम्प्टी है, खाली है। सो दैट्स व्हाई कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं कहता हूं दिस लोड व्यू एंड एक पैरामीटर पास करता हूं, मैं कहता हूं फर्स्ट व्यू, ठीक है। हो क्या रहा है, हम एक लोड करवा रहे हैं व्यू को, किस नाम से है, फर्स्ट व्यू के नाम से। ओके, वापस जाता हूं मैं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे कि व्यू पेज सोर्स आप अगर जो है वो करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वही HTML की कोडिंग है जो हमने एक व्यू के अंदर की थी, लेकिन हम उसे शो करवा रहे हैं। मींस हम कंट्रोलर के अंदर जो है वो एक व्यू को लोड करवा रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि जो है वो थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा आपको कि MVC पैटर्न जो है वो क्या होता है। देखें, व्यू जो है हमने अलग बनाया, HTML की कोडिंग हम व्यू के अंदर करेंगे, कंट्रोलर जस्ट नेविगेशन का काम करता है, एंड मॉडल हम जब आएंगे तो देख लेंगे। बहरहाल एक पर्टिकुलर व्यू जो है वो इस तरीके से लोड होता है, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू जो है चाहिए यहां पे इस फाइल के अंदर, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर सपोज आपको ये टाइटल जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा, आप एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा के नाम से या XYZ व्हाटएवर जो भी नेम आप बनाएं, मेक श्योर वो एसोसिएटिव होगा, उसकी कोई ना कोई की होगी, फॉर सपोज की या कुछ भी, मैं कहता हूं या आप की रखे XYZ नेम जो है नेम रखे कुछ भी रखे आप पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूं टाइटल, ठीक है। उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं, डबल कोटेशन जाहिर सी बात है स्ट्रिंग है, सो दैट्स व्हाई मैं डबल कोटेशन में रख रहा हूं। मैं कहता हूं वेलकम इन कोडिंग नाइटर सीरीज। बहरहाल आपने वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट जो आपने व्यू के अंदर सेट किया हुआ है ये वही आ रहा है। हम इसे रिमूव करते हैं टाइटल को, तो आप देखेंगे कि टाइटल आपका एम्प्टी आ रहा है, लेकिन जो आपने व्यू को लोड करवाया तो यहां पे डॉट php देने की जरूरत नहीं होती, पहली बात तो ये है। तो वो खुद ही समझ जाता है कि आपने जो है व्यू को जैसे ही आप लोड करवाएंगे तो वो जाहिर सी बात है php की फाइल होगी। आप सेकंड पैरामीटर में कॉमा देने के बाद सेकंड पैरामीटर में ये जो आपने वेरिएबल बनाया था डेटा का ये आप उसे दे देंगे, ठीक है। वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, अब आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। ये कोडिंग नाइटर की ब्यूटी है कि वो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि आपको एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े, या आपको अब आपने यहां से सेकंड पैरामीटर में जो है वो वैल्यू पास तो कर दी, वेरिएबल पास कर दिया, अब ये कोडिंग नाइटर कैसे हैंडल करता है कैसे नहीं करता ये उसका मसला है, आपका नहीं है। आपने यहां से सेकंड पैरामीटर में वो वेरिएबल दिया जो आपने यहां बनाया है, और आप इस की जो भी इंडेक्स होगा या जो इसको की कह रहे थे हमने ये टाइटल रखा था, हम जस्ट यहां पे आएंगे, आने के बाद php का टैग स्टार्ट करेंगे, एको करवाने के बाद टाइटल लिखेंगे,
वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आपने स्ट्रिंग जो है सेट किया हुआ था कंट्रोलर के अंदर, वो स्ट्रिंग जो है यहां पे आप एको करवा रहे हैं, या जो वैल्यू आप सेंड कर रहे थे कंट्रोलर से व्यू की तरफ, यहां से आप सेंड कर रहे थे डेटा के अंदर, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां आप टाइटल से रिसीव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एसोसिएटिव एरे है, ठीक है, और हमेशा जब आप एक एसोसिएटिव एरे पास करते हैं किसी भी व्यू के अंदर, तो वो हमेशा एक्सेस होता है उसकी की के साथ। ओके, तो ये यहां पे की से कैसे एक्सेस कर रहा है, क्यों एक्सेस कर रहा है, ये आपका मसला नहीं है, ये कोडिंग नाइडर का मसला है, ठीक है। तो आप हमेशा एसोसिएटिव एरे में जो है डेटा सेंड करेंगे, ठीक है, चाहे वो डेटा स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, वट एवर जो भी डेटा होगा वो आप एसोसिएटिव एरे में। हमने डेटा नेम इसी वजह से रखा क्योंकि हम डेटा सेंड कर रहे हैं। आप यहां पे एक्स वाई जेड रखें, वेरिएबल का नेम एक्स वाई जेड रखें, कुछ भी रखें, मैं एक्स वाई जेड कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक्स वाई जेड और यहां से एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड रखें, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स जो भी, अब यहां पे मैं एक्स वापस जो है डेटा करते हैं वेरिएबल को ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डेटा, अब यहां पे मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो रखा हुआ है, मैं एक वैल्यू रखता हूं इंटीजर की 12, ओके, मैं इसे कहता हूं एज, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं बॉडी के अंदर और यहां पे मैं फैच करवाता हूं एजेस, और मैं यहां पे एको करवाता हूं एज के नाम से। देखें आप जो की रख रहे हैं एसोसिएटिव एरे की वो एज रख रहे हैं, उसमें स्टोर क्या करवाया 12, तो यहां पे एज जैसे ही आप जो है वो एको करवाएंगे वेरिएबल्स, तो ये देखें एज इज 12, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि यहां कितनी वैल्यूज रख सकते, बिकॉज ये एरे है, एरे के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कंसीडर करूंगा कि आपको, दैट्स व्हाई मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो है वो बेसिक कोर पीएचपी एंड पीएचपी 5 की नॉलेज होनी चाहिए, एरेज वगैरह और भी जो चीजें हैं, सो दैट्स व्हाई आप हमारी ये सीरीज देखें। सो आज के लिए इतना ही, आई थिंक जो है ये इनफ हो चुका है। सो हमें ज्वाइन करें हमारे जो है वो ऑफिशियल पेजेस पे जो सोशल नेटवर्क्स पे अवेलेबल हैं, और हमें सब्सक्राइब करवाएं हमारे ऑफिशियल चैनल पे जो यूट्यूब पे है, एंड आई थिंक आप, आई होप आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप वाकई हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, थम्स अप, हमारे वीडियोस को, हमारे कोर्सेज को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो डोनेशन भी जो है वो दे सकते हैं, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 1000 हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।